कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। एग्जाम से पहले एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, और ये क्लास है अपनी अनसीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करें। दो अनसीन पैसेज आते हैं और पहला और दूसरा क्वेश्चन ही बच्चों अनसीन पैसेज का आता है, और अगर ये वाला क्वेश्चन आपके दोनों अगर शानदार हो गए ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अगर यहीं पर पेपर बिगड़ गया तो डब्बा गोल। इसीलिए ध्यान से समझना इस पूरी क्लास को, बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ में, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से ढूंढने हैं। देखो यही एक ऐसे दो क्वेश्चन होते हैं पहला और दूसरा, जिसमें आपको कुछ भी याद करके नहीं जाना है, इसी में से ढूंढ ढूंढ करके आपको देना है आंसर। बेस्ट एग्जाम्पल लाया हूं, अगर आपके एग्जाम में ये का ये पैसेज आ गया तो बच्चों ये के ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, और अगर ये के ये क्वेश्चन मिले तो आंसर अभी आप देख के जाओगे, आपको खाली लिखना लिखना रहेगा। और अगर मान लीजिए कि आपको ये पैसेज न मिलकर के कोई दूसरा भी आ गया, तो जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से अगर आपने इसको कर लिया सॉल्व, तो बच्चों आपके 9 में से 9 आएंगे। ध्यान रखना, एक भी प्रश्न छोड़ने का मतलब क्या है, सीधे सीधे 80 में से आप ऑटोमेटिक अपने नंबर कम कर रहे हो, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं ना कि आपके पेपर का हर पार्ट जो है वो आपको कवर करवा रहा हूं। हमने मॉडल पेपर्स कवर कर लिए, हमने ग्रामर का हर टॉपिक कर लिया, हमने कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, एवरीथिंग कर लिया, हमने एमसीक्यूज कर लिए, फ्लेमिंगो, प्रोज, पोएट्री, कुछ भी नहीं छोड़ा। लास्ट क्लास हमारी बची थी पैसेजेस को लेकर के, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से 9 + 6 = 15 में से 15 नंबर आपको लाने हैं। आइए करते हैं शुरू, और शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि ये जो अनसीन पैसेज होता है बच्चों, इसमें आपको इसको सॉल्व करना के लिए पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। यह है ट्रिक नंबर फर्स्ट कि आपको पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। तो सर पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कैसे देंगे, आपका प्रश्न यही तो है ना। तो अभी तो बता रहा हूं ना कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। अच्छा, पैसेज बाद में पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हमें बचाना है टाइम, और टाइम मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। तो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पढ़ लिया और फिर आंसर ढूंढेंगे, नहीं, सारे के सारे 9 प्रश्न पहले पैसेज में रहेंगे, एक साथ पढ़ लीजिए, धीरे से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, दिमाग में बिठाइए और फिर पढ़िए पैसेज, और जैसे जैसे पैसेज पढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते जाएंगे। और बच्चों कई बार तो कंडीशन ऐसी होती है कि हमें पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ना, उससे पहले ही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, पूरा पैसेज कई बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे हमने मॉडल पेपर किया था, आपको याद होगा ना, पिछला जो मॉडल पेपर किया था उसमें हमने पहला अनसीन पैसेज पढ़ा ही नहीं कंप्लीट, उससे पहले ही हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। और अगर आपने पहले पैसेज पढ़ा होता बच्चों, तो आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते, फिर वापस से दोबारा पैसेज पढ़ते, कुछ प्रश्न मिलते, कुछ आंसर नहीं मिलते, फिर से वापस तीसरी बार पैसेज पढ़ते, कितना टाइम खराब हो जाता और आपके पर प्रेशर और बढ़ता कि अब मेरा पेपर छूट जाएगा, अब मैं क्या करूं, तो हड़बड़ाहट में आंसर भी नहीं मिलते आपको। इसीलिए आराम से करना है, और सही तरीका यह है कि पहले पढ़ना है क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले हम एक एक करके प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा यह है कि पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड ह्यूमंस लिव इन द रिमोट पास्ट, कि रिमोट पास्ट में बहुत प्राचीन काल में लोग जो है वो कैसे रहते थे। ठीक है, मिल जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों लिखा हुआ है कि व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, किस चीज ने मनुष्य मानव समाज के विकास में योगदान दिया। ठीक है, किसी न किसी चीज ने तो मानव समाज के विकास में योगदान दिया होगा, अभी हम इसका आंसर ढूंढेंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, हमारे धार्मिक ग्रंथों में किस चीज का वर्णन नहीं किया हुआ है, अभी देखते हैं क्या नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट क्या, वेयर डिड द प्रिमिटिव मैन लिव, आदिमकालीन मानव कहां रहता था, अभी पैसेज में दिखेंगे। नेक्स्ट लिखा, हाउ कुड मैन डोमिनेट ओवर एनिमल्स, किस तरीके से आदमी ने पशुओं पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर देखो, व्हाट इज कन्यादान, कन्यादान किसे कहते हैं। फिर हमारे
तीन जो छोटे छोटे कुछ फ्रेजेस आएगी या फिर वर्ड आएगा उसका हमें सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढना है। तो वो है कंप्लीट, उसके बाद है एनिमल दैट ईट्स मीट एंड अ लार्ज कैविटी इन द साइड ऑफ अ क्लिफ। आइए एक एक करके ढूंढते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न आपके दिमाग में है तो आंसर आपको एक एक करके मिलता जाएगा। और ये रहा हमारा पहला पैसेज जिसको हम पढ़ना करते हैं शुरू। देखो मैं फटाफट से पढ़ता हूँ और फटाफट से आंसर बताता हूँ कैसे पढ़ना है। एक एक लाइन को पढ़ेंगे समझते हुए, धीरे से पढ़ेंगे ताकि दोबारा आपको वापस से इस लाइन पे नहीं आना पड़े। मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज का एक महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन होता है, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है मैरिज यानी विवाह। इन द रिमोट पास्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर मानव इतिहास के प्राचीन काल की बात करें, मैन वॉज लिविंग एंड बिहेविंग लाइक एन एनिमल। पहले मनुष्य जो है वो पशु की तरह रहता था और व्यवहार करता था। देन ही वॉज हार्डली एवर अवेयर ऑफ हिज रिलेशनशिप टू हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। उस समय वो न तो अपने माता पिता के साथ न अपने बहनों और भाइयों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना है कुछ भी नहीं जानता था। जैसा आजकल पशु का जो बिहेवियर होता वैसा ही कुछ बिहेवियर था। इन द बायोलॉजिकल किंगडम दिस प्रिमिटिव मैन वॉज एवर सबॉर्डिनेट इन स्टेटस ऑफ द एनिमल्स। नाइदर डिड ही हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। उस समय ना तो इसके पास में हाथी जैसी ताकत थी, नॉर द शार्प टीथ एंड क्लॉज ऑफ द कार्निवोरस। एक क्वेश्चन का आंसर हमें बच्चों यहां से मिला है। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। तो एक शब्द आया था ना कि जो पशुओं को खाता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। तो देखो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो पशुओं को खाता है वो कहलाता है कार्निवोरस। आगे बढ़ो। ही डिड नॉट इवन हैव द हार्ड प्रोटेक्टिव हाइड ऑफ द राइनोसोर्स एंड कुड नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय एनी अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल कैपेबिलिटी। नेवरदिलेस ही डिड नॉट पजेजेस द यूनिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन With the help of which, जिसकी मदद से he could dominate over the animals। एक और प्रश्न का आंसर मिला। क्या आंसर? कि किस तरीके से मनुष्य ने पशुओं पर विजय प्राप्त करी, किस तरीके से उनको डोमिनेट किया। तो क्या तरीका था? वो था कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सहयोग और संगठन बना करके मनुष्य ने पशुओं पर विजय प्राप्त करी। पशु ऐसा नहीं कर सकते ना, इंसान ने किया। Besides protecting and proliferating his own species, but in spite of this natural trait, इन एबसेंस ऑफ परमानेंट अरेंजमेंट, अभी तक व्यक्ति के पास में परमानेंट अरेंजमेंट नहीं था, मतलब कंप्लीट जो उसका एक रेजिडेंस जो है वो, उसने आवास जो है वो अभी अपना नहीं बनाया था। बच्चों एक हमें और यहाँ पे एक जो हमारा एक जो वन नंबर का जो क्वेश्चन आया ना, कंप्लीट का मतलब, अब देखो कंप्लीट का एक्चुअली आपको एग्जैक्ट इसमें वर्ड नहीं मिलेगा। कंप्लीट मतलब एक पूरा सेटलमेंट मनुष्य ने बनाया था नहीं बनाया था, तो उसको हम कहेंगे परमानेंट अरेंजमेंट, है ना। ये कंप्लीट परमानेंट अरेंजमेंट, एक कंप्लीट अरेंजमेंट जो है। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। तीन क्वेश्चन मिल गए, मैं आपको बताऊंगा अभी। फॉर हाउसिंग, फूड एंड क्लॉथ। द प्रिमिटिव मैन वॉज लिविंग इन स्मॉल ग्रुप्स इन लार्ज केव्स एंड ऑन ट्रीज। प्रिमिटिव आदमी कहाँ रहता था? एक और क्वेश्चन का आंसर हमारा शुरू होता है कि प्रिमिटिव मैन जो था वो कहाँ रहता था? स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता था और बड़ी बड़ी गुफाओं में रहता था और पेड़ों पर रहता था। अब नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है? Since in those days the institution of family had not come into existence, उस समय अभी परिवार अस्तित्व में नहीं आया था। The relationship between man and woman was different from what it is today. आज जैसा संबंध मनुष्य जो है आदमी और पुरुष, स्त्री और के बीच में नहीं था in modern times. There is little doubt that the tradition of marriage, अब इसमें कुछ डाउट है कि विवाह की जो परंपरा है, ट्रेडिशन ऑफ मैरिज हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक और क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है यहां से बच्चों। एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैन हैज बीन एबल टू मेक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स बाय ज्वाइनिंग मच लार्जर फैमिलीज एंड देयर बाय एनलार्जिंग फील्ड ऑफ एक्टिविटीज।
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, गिविंग ड्यू इंपोर्टेंस टू दिस ह्यूमन नेसेसिटी द इंडियन फिलोसोफर्स डिक्लेयर्ड द सेरेमनी ऑफ मैरिज एज अ ग्रेट रिलीजियस राइट एंड डिक्लेयरिंग दैट द बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बी कंसिडर्ड एवरलास्टिंग पायस इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। आगे देखो, द कपल वर टू पार्टिसिपेट विद एब्सोल्यूट कोऑपरेशन सो दैट देयर रिजल्टेंट कंट्रीब्यूशन बिकेम मेनी टाइम्स मोर देन एवर देयर कंबाइंड इंडिविजुअल इनपुट्स। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली फर्दर एनलार्ज टू कंस्टिट्यूट एथनिक ग्रुप्स विच लेटर बिकेम द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर द वेरियस नेशंस of the world. The tradition of marriage was adopted by people all over the world with ceremonial modification according to local requirements and local atmosphere of the religion. देखो, first question क्या है? कि how did humans live in the remote past? Remote past, बहुत प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे? तो according to the passage आप लिखेंगे, humans in the remote past lived in small groups, in large caves, and on trees, lacking permanent arrangement for housing, food and clothes. तो मनुष्य छोटे छोटे ग्रुपों में रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था। उस समय मनुष्य के पास में परमानेंट अरेंजमेंट जो है वो नहीं था, भोजन उसके पास नहीं था, कपड़े उसके पास नहीं थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमने जो पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग दूसरा प्रश्न का आंसर हम देंगे कि वॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, किस चीज ने मनुष्य मानवीय समाज में योगदान दिया। तो द पैसेज क्रेडिट्स दैट कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो सहयोग और संगठन ने है ना, ऑफ ह्यूमन एज द की फैक्टर इन देयर डेवलपमेंट एंड डोमिनेंस ओवर एनिमल्स। तो इस चीज ने, संगठन और सहयोग ने उसको मनुष्य को पशुओं से ज्यादा प्रभावी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है कि What is not mentioned in the scriptures? हमारे जो scriptures है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें किस चीज के बारे में नहीं लिखा गया है? तो देखो, the passage explicitly states that the scriptures do not mention the practice of prefixing a dowry prior to marriage. शादी से पहले दहेज के बारे में कोई भी उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि where did the primitive man live? Primitive man कहाँ रहता था? तो देखो, as mentioned earlier, the passage describes primitive humans living in large caves and on trees. छोटे छोटे ग्रुपों में रहता था, बड़ी जो गुफाएं होती थी उन गुफाओं में रहता था और पेड़ों के ऊपर डालियों पे रहता था। नेक्स्ट क्या है, हाउ कुड मैन डोमिनेट ओवर एनिमल्स, किस तरीके से मनुष्य ने पशुओं पर विजय प्राप्त करी? तो लिखेंगे कि द पैसेज क्लेम्स ह्यूमन डोमिनेटेड एनिमल्स नॉट थ्रू फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति से नहीं, बट थ्रू देयर यूनिक कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सहयोग और संगठन की भावना से उसने पशुओं पर विजय प्राप्त करी। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज कन्यादान, कन्यादान क्या है? तो लिखेंगे कि द पैसेज डिफाइंस कन्यादान एज द सेरेमनी ऑफ हैंडिंग ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लुकिंग आफ्टर द ब्राइड बाय द फादर ऑफ द गर्ल टू द ग्रूम। एंड अब देखो नेक्स्ट, छोटे छोटे जो प्रश्न है ना, उसमें एक तो था कंप्लीट का मतलब क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें इसका मतलब होता है बच्चों परमानेंट। फिर है एनिमल दैट ईट्स मीट, जो पशु मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पशु जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं, मांसाहारी जिसे हम कहते हैं। और नेक्स्ट है कि अ लार्ज कैविटी इन द साइड ऑफ अ क्लिफ, किसी पहाड़ी की चोटी पर जो बड़ी बड़ी कैविटीज होती थी वो क्या कहलाती थी, तो वो गुफाएं कहलाती थी, केव कहलाती थी। तो इस तरीके से हमने ये किया है अनसीन पैसेज, इस तरीके से आपको आंसर्स ढूंढने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर ढूंढेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।